Sí, sir. In this lesson, we learn the following the verb in the माजी माजी माजी. Zahaba, he went. It means he went. Roger, he returned. वो वापिस आया. Most Arabic verbs have only three letters which are called the radicals. Sir, radicals का क्या मतलब होता है? रेडिकल्स का मतलब छोड़ बस ये जो इनके वो आपको इस जुमले में ये चीज़ बता रहा है कि आज जो अरबी की ज़्यादातर है ना फेल वो तीन हरूफ पर जी मुश्तमिल होते हैं। आप इसका हरूफ तर्जुमा कर सकती हैं, तीन हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं और इन तीन हरूफ जी का सर इन तीन हरूफ का जो नाम है वो रेडिकल है। जी. The basic form of the verb in Arabic is the mazi, as we have seen in book. I zahaba mean he went, but if it is falling by a subject, the pronoun he is to be omitted. Omitted. But zahaba bilalun mean Bilal went, and not Bilal he went, and not Bilal he went. In the same way, zahabat जहाबत mean she went. तो फीमेल के लिए तो नीचे कसरा आती है ना, जहाबती. वो मुखातिब करने के लिए जहाबती होता है जबकि जो गायब होती है उसके लिए जहाबत होता है। जी, zahabat she went, but if a subject falling the pronoun she is dropped. Zahabat aminatu, amina went. In zahaba he went, and zahabat she went. He went and she went means zahaba and zahabat. The subject is said to be damir mustatir. Damir mustatir. Mustatir. Hidden pronoun. To this basic form of the mazi, suffixes are added to in suffixes are added to indicate the other pronoun. This process is called isnad. In this lesson, we learn the isnad of the verb in the mazi to the following pronoun. Zahaba, he went. The subject is madiye mustair. Zahabat, she went. The subject is damire mustair. Ta is the sign of it being feminine. Zahabu, they went. The subject in the waw. The alif after the waw is not pronounced. Zahabna, they went. The subject is Noon. Zahabta, you went. The subject is the ta. And I is zahabtu, I went. Zahabtu, I went. The subject is tu. Now, the difference between the masculine and feminine form. Aina Bilal wa Hamidun wa Khalidun. Zahabu ila souq. They went toward market. Aina Aminatu, Fatimatu, wa Zainabu. Zahabna ila al-madrasati. They went ila al-madrasati. They went toward school or madrasa. एक और बात याद आई मुझे कि जो 7 बजे लड़की क्लास लेती है वो अभी आपके करीब ही है। ये अभी आप चौथा सबक शुरू कर रही हैं, वो मेरे से तीसरे पे है। उसकी स्टाफ भी आप चाहें तो क्लास ले सकती हैं। 7 बजे लेती हैं वो? हाँ, रोज़ाना 7 बजे। वो भी माशाल्लाह रेगुलर क्लास लेती है, कोई छुट्टी नहीं करती। तो ठीक है, तो मैं फिर सर कोशिश करूँगी 7 बजे ले लूँ। अगर कभी 7 बजे ना हुई तो फिर 9 बजे। ठीक है सर। To render a verb in the mazi negative, the particles ma is used. Zahabtu ila souqi. I went to the market. Ma zahabtu ila souqi. I did not go to the market. Ma kharaj al imamu min al masjidi. The imam did not go out of the mosque. Sir, aapse ek baat puchni thi.
ये जो माँ होता है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? अब इस जुमले में माँ का मतलब है नट, वैसे एक माँ का एक और मतलब होता है व्हाट, क्या। उसके अलावा माँ के और भी मतलब है, लेकिन यहाँ पे माँ का मतलब है नहीं, माजी के लिए हमने नहीं सर लगाया। हमने तो किताब अल अरबिया तो बहने जो देख में पढ़ा था ना कि माँ सिर्फ तीन तरह का है, माँ इस्तफामिया, माँ मनफी और एक और माँ था। और भी हैं थे वो उसकी, आप भी चलो अभी वाइस से आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी सर। दाखला बिलाल वलाकिन ना हु मजलसा, बिलाल एंटर्ड बट ही डिड नॉट सिट वलाकिन ना हु। आप वो पढ़ा रही हैं अपने स्टूडेंट्स को या उनको भी छोड़ा हुआ है? नहीं सर मैंने छोड़ दिया था, जब मैंने खुद नहीं ली तो फिर मैं उनकी भी नहीं ले पा रही थी। द डिफरेंस बिटवीन बला एंड नाम, द वर्ड बला इज यूज इन रिप्लाई टू नेगेटिव क्वेश्चंस। इफ अ मुस्लिम इज आस्क अलस्तु बि मुस्लिम, आर यू नॉट अ मुस्लिम, द आंसर इज बला अना मुस्लिमुन, यस आई एम मुस्लिम। बट इफ अ नॉन मुस्लिम इज आस्क द सेम क्वेश्चन, ही रिप्लाइज नाम लस्तु बि मुस्लिम। सो इन रिप्लाई टू अ नेगेटिव क्वेश्चन नाम मीन्स एंड बला मीन्स यस। जर्मन हैज अ वर्ड फॉर, सॉरी जर्मन है, हाँ जर्मन हैज अ वर्ड फॉर बला, इट इज डच। इसका क्या मतलब है? जर्मनी जबान में बला का मतलब है डच। हमने कौन जर्मनी सीखनी है, छोड़ दे। मा खरज तू मिन अल बैती लअन अल जव्वा बारिदुन, लियन्ना लियन्ना आई डिड नॉट गो आउट ऑफ द हाउस बिकॉज द वेदर इज कोल्ड। ज़हबता इब्राहिम इल अल मुस्तशफा लअन्नहु मरीदुन, इब्राहिम वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही इज सिक और इल। नॉट दैट लअन्ना इज मेड अप ऑफ लाम फॉर एन अन्ना विच इज द सिस्टर ऑफ इन्ना। So the noun falling is मनसिब, मंसूब, मंसूब से कहते हैं। मनसूब। सर मनसूब में आपने बताया था कि मनसूब, सर भूल गया। लफ्ज के आखिर में फतह होनी चाहिए लाजमी। एक फतह भी हो सकती है, दो भी फतह हो सकती है, लेकिन फतह लाजमी होनी चाहिए। तो सर ठीक ये है, मुझे समझा दें, लियन्ना को उन्होंने क्या कहा है, मेड अप ऑफ द लाम। नोट डेट लियन्ना इज मेड अप ऑफ ली एंड अन्ना। जो लफ्ज़ लियन्ना का मतलब है बिकॉज, और ये दो लफ्ज़ों के मिलाने से बना है। पहला लफ्ज़ है ली और दूसरा लफ्ज़ है अन्ना। इन दो लफ्ज़ों को हमने मिलाकर एक नया लफ्ज़ बना दिया जिसको हम कहते हैं लियन्ना। ये उसने आपको पहली बात बताई है, ठीक है, समझ आ गई। जी सर, जी अब सर, साथ ही उसने ये बताया विच इज़ अ सिस्टर ऑफ इन्ना। ये जो नया लफ्ज़ है ना लियन्ना, ये इन्ना की सिस्टर्स में से है, यानी कि इन्ना के जितने भी कानून आपने याद किए थे वो सब के सब कानून आपने लियन्ना पर भी लगा देने हैं, कोई तब्दीली नहीं है। जी सर, और उन कानून में से एक कानून ये था कि जो भी लियन अन्ना, जो भी इन्ना के बाद जो भी इसम आएगा, नाउन आएगा, वो मंसूब होगा। तो इसलिए लियन्ना के बाद भी जो इसम आएगा वो मंसूब होगा। सर जैसे इन अल्लज़ीना, यानी अल्लज़ीना के ऊपर फतह आई है तो मंसूब हुआ। बिल्कुल इसी तरह लियन्ना के बाद जो इसम आएगा वो मंसूब होगा। जी सर, रवि लाबासा मे नो हार्म कम टू यू, शयुन टी। अड्डा सुराबे अद्द सुराबे हाज अदर सु राबे यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यूसुफ यकूलू, सर मैं अरबिक में करूँ इस समय बेहतर हो जाएगी अरबी ज़रा। अच्छा यूसुफ व अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, यूसुफ यकूलू अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अहलम वसहलम व मरहबा बी का। यूसुफ यकूलू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अहलन वसहलन व मरहबा
बी का आपके साथ, या खाली सर मामू के लिए इस्तेमाल होता है ना खाली, मेरे बिल्कुल खाल खाली में, मेरे मामू। या खाली, या खाली कई पहलू का, लाल्ला का बेखैर आप कैसे हैं, ली अल्लाह का ताकि आप बेखैर खैर के साथ हो, लाल्ला का बिखरी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ली अल्लाह का मतलब क्या हो सर? अल्लाह का उम्मीद है, तवक्को है, उम्मीद है कि आप खैरियत से सर होंगे। ली अल्लाह का लाल्ला तो एग्जैक्ट मीनिंग ये है ना कि ली अल्लाह का ताकि जैसे के नहीं, ली अल्लाह का मतलब ही ये होता है कि मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्को है। सर ली अल्लाह का भी खैर, आई होप यू विल बी फाइन। यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज फॉर अल्लाह। अईना अबू का, या इब्राहिम अईना अबू का, या इब्राहिम आपके अबू कहाँ है? इब्राहिम ज़हब अला सो की, ही वेंट टूवर्ड मार्केट। यूसुफ व अईना उम्मा की, उम्मा का आईना एंड वे उम्मू का उम्मू का एंड वेयर इज योर मदर, एंड वेयर इज योर मदर? यूसुफ, यूसुफ यकूलु यूसुफ, अच्छा यूसुफ यकूलु यूसुफ जहाबत जहाबत इला खालाती जैनबु, वो मेरी खाला जैनब के पास गई है। यूसुफ आईना अख्वातु इख्वातु का एंड वेयर इज योर सिस्टर्स? इब्राहिम जहाबु इला जामिया, अख्वातु का भाई, आपके भाई कहाँ हैं? सर अलिफ के नीचे हमजा है, हाँ तो ये भाई होता है, अगर अलिफ के ऊपर हमजा होता तो बहने हो जाती और उसमें वाव के बाद अलिफ भी आ जाता। जी सर। और अगले जुमले में इब्राहिम, आपने सुनाया इब्राहिम जहाबू इलल जामिया, दे वेंट इल टुवर्ड यूनिवर्सिटी। यूसवाइना अख्वातु की, अख्वातु का And where is your sisters? Ibrahim Zahabna ila al-madrasati, wo madrasa gayi hain. Yusuf amma zahabta ila al-madrasati al-yawm, amma zahabta ila al-madrasati al-yawm, ke aap aaj madrasa nahi gaye? Ibrahim bala kyun nahi, zahabtu wa raja'tu ba'd al-hissati al-ula, main gaya tha aur wapis aa gaya hu pehle period ke baad, after my first period. ba'd al-hissati al-ula. yusuf lima raja'ta, why you returned? ibrahim raja'tu li annani marid, لأنني مريض. I returned because I was sick. يوسف لا بأس. I am sick. لا بأس أن ذهبت إلى الطبيب. No harm come to you. كيا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ إبراهيم. نعم ذهبت. Yes, I went. تمارین ایکسرسائزز تدریبز نہیں تدریبات عجب انا سوالت آتیا آنسر فور آنسر اسالتی آتیا آنسر فالوئنگ دا کوشچنز اینا ذہب ابو ابراہیم where went Ibrahim's father? So Waina Zahabta Zahab. The job Waina Zahab Abu Ibrahim. Zahab Abu Ibrahim ila Soki. Waina Zahabat Ummahu. And where she and उम्मू और उसकी वालदा कहाँ गई है? Where went his mother? ज़हबत उम्मू इला खालती ज़ैनबू, इला खालतुहू, इला खालतुहू
زینب متى رجع ابراهيم من المدرسه رجعت ابراهيم من المدرسه بعد الحصه الاولى رجعتا نہیں ہوگا رجعا ہوگا سمپل تھرڈ پرسن میل کے لیے رجعا مذکر غائب کے لیے رجعا ہوتا ہے مرد کے لیے تو تا نہیں تا کے اوپر زبر نہیں آتی اور عورت کے لیے زیر آتی ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے یہ تھرڈ پرسن ہے غائب ہے رجعتا رجعا سمپل ان کے اوپر فتح ہوگا بس اور کچھ نہیں رجع ابراہیم من المدرسه دي بعد الحصه الاولى حصته الاولى الحصه الاولى بعد کی وجہ سے حصه الاولى جی سر دعاء هذا الالامات صحيح امام الجمل امام الجمله صحيحات وهذه الالامات خطا امام الجمل امام الجمله غير حس صحيحات جرمان سر آپ نے تو کہا تھا امام کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے اس پر ایک زبر لگتی ہے کسرہ کہا تھا شاید بول دیا یا مکس کر لیے امامہ کے بعد بادہ کے بعد خلفہ کے بعد فوقہ کے بعد کسرہ آتی ہے سر نہیں وہ ایک دوائی نور ہے اس میں تو دونوں آگے وہ فتح آتی ہے وہ بھی دو والی پتہ نہیں آپ کون سے والے کی بات کر رہی ہیں امامہ کے بعد ہمیشہ فتح کسرہ آتی ہے جی سر کہاں سے آپ نے دیکھی دعا سر وہ علامہ جال من علامہ جال فی قلب نور علامہ جال فی امامی نورا دیکھیں امامی نورا قرآن میں یا حدیث میں یہ دعا آئی تھنک سو حدیث ریلیٹ کی گئی ہے روایت کی گئی ہے پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں کون سی کتاب ہے یا اب کسی بندے نے لکھی اگر تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ غلطی کر سکتا ہے قرآن حدیث میں تو غلطی ہو نہیں سکتی ابراہیم اینا اخت یوسف ابراہیم او سوری ابن اخت یوسف یعنی ابراہیم بیٹا ہے اخت یوسف یوسف کی بہن کا ٹھیک ہے یوسف عمو ابراہیم یوسف ابراہیم کا چچا ہے اخوات ابراہیم ذہبنا الی المکتبہ الی المکتبہ خطا یعنی ابراہیم کی جو بہنیں تھیں وہ لائبریری گئی ہوئی تھیں اخوات ابراہیم ذہبوا الی الجامعہ یہ بھی خطا وہ یونیورسٹی نہیں گئے تھے اخواتو کیسے اخواتو ابراہیم ذہب الی الطبیب ابراہیم ذہبوا الی الطبیب یا جملے گنڈ میں سکھا رہی ہے چوتھا جملہ پڑھیں اخواتو ابراہیم ذہبوا الی الجامعہ اخواتو ابراہیم ذہبوا الی الجامعہ ابراہیم اخواتو ابراہیم اخواتو ابراہیم ابراہیم ما ذهبوا الى الطبيب ما ذهبا یعنی وہ طبیب کے پاس نہیں گیا تھا یہ بھی خطا دعا فی الاماکن الخالیہ فیہا یلا الفعل نل خالیہ فی ما یلا الفعل ذهبا یلی الفعل ذهب و اس الفعل ذهب و اسنده الى الضمیر مناسب سر مطلب بتا دے دا ڈالیں لگائیں نیچے دیکھی خالی جگہوں میں الفعل ذهب نیچے دیکھی خالی جگہوں میں جو فعل ذهب ہے اس کو لگائیں و اسنده اور اس کی سند کریں اس کو جوائن کریں الا ضمیر مناسب اس کے ساتھ کوئی مناسب ضمیر بھی لگانا ہے مناسب پروناؤن بھی لگانا ہے جیسے اولاد کا جو پروناؤن ہے وہ واو الف وا ہے تو ہم اس کو کہیں گے الاولاد ذهبوا الى المدرسه تو ہم نے واو الف کے ساتھ اس کو سند کر دیا تو یہ بن گیا ذهبوا الاولاد ذهبوا الى المدرسه لڑکے گراؤنڈ گئے اس طرح ہم نے مجھے سمجھ نہیں آئی
असल फेल क्या है? जहाबा, ठीक है। ग्रेग जी की बुक में भी आपने पढ़ा था कि इसकी हम सनद करते हैं, इसके साथ हम कोई लफ्ज़ लगा देते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे जहाबा के साथ आप ता फतह ता लगाएंगे तो जहाबता बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब होगा? जहाबता, तुम जब्ता गए, शी वेंट तुम गए, ओ बट ही को वेंट आपने ही कहा वेंट जहाबता तुम गए। इसी तरह ता कसरा लगाएंगी तो जहाबती तुम गई, जी जहाबत वो गई, जहाबू वो सब गए, जहाबना वो सब औरतें गई, वो जहाबना हम सब गए। इस तरह आपने इनके साथ कोई ना कोई लफ्ज़ लगाना है जुमले के हिसाब से, ठीक है। जी सर पहले में मैंने आपको बता दिया अल्लाहुम्मा कि वाव वाली सर वा क्या होता लगाना है, है पहले में वाव वल वाली वा लगाना औलादा है। अल औलादु जहाबू, ज़हबू इलल मलाब यानी मलाब वो प्ले ग्राउंड की तरफ ग्राउंड, गए। सर लबातों का मतलब क्या होता है लाइव तू मैं खेला। लाइब तो सर लाम आइन बा और तामर बुता हाँ जी, तो सर इसका तो मतलब वो गुड़िया है ता उसमें एक मरबूता है। ताबो लेकिन अगर ता नाशीन मरबूता है तो फिर गुड़िया होगा, अगर सिंपल ता है तो मैं खेला या मैं खेली। सर अल अतालिबातु जाहबन जाहबना ठीक है, करेक्ट। यानी मदरसा तो अल मदरसती मुदरिस अल मुदारिस ज़हबता इलल फ़सल गलत, अल मुदारिस ज़हबत जहाबा अल मुदरिसु जहाबा इलल फस। ज़हबा सर ये तो थर्ड पर्सन है ना मुदारिस हाँ, तो थर्ड पर्सन के लिए जहाबा ही होता है, जहाबा खराजा। ज़हबा तो फर्स्ट फॉर्म है तो ये थर्ड पर्सन के लिए होता है, फर्स्ट फॉर्म। ये अरबी सीखी है ना आप? जहाबा थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन मेल के लिए होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके सर अना जहाबत तो नहीं अना जहाब जहाबत तो जहाब तू, जहाब तो अना जहाब तो इलल मतार मैं एयरपोर्ट की तरफ गई उख्ती जहाबती इलल मतबाखो यानी मेरी सिस्टर जहाबती मुखातिब करने के लिए होता है। जहाबत क्या है यहाँ पे? जहाबत ज़हबत इलल मतबख यानी शी वेंट एयर टुवर्ड किचन टू किचन आईना ज़हबती ज़हबती आईना ज़हबती अंती सहाहल जुमालु आतिया सही, सही हो अल जुमालु जुमाली आतिया सही अल जुमलल आतिया। नीचे दिए गए जुमलों सही को हल करेक्ट करें, जुमालु आतिया इनमें कोई गलती जी है वो गलती ढूंढने और सही करें। आज ज़हबतु इलल मुस्तशफा या मोहम्मद यानी कि आप हॉस्पिटल की तरफ गए थे मोहम्मद तो ये ठीक है सर गलत है, नहीं ये गलत है क्योंकि इसमें तो जमीर वाली लगी हुई है अपनी जात के लिए जो बदल ये होगा आज ज़हबत अजहबता। आज हफ्ता जी सर सेकंड है आमिना तो फातिमा तो ज़ैनबु रजाऊ मिनल जामिया सर रजाऊ नहीं आएगा रजा ना आएगा ठीक है, ना जानना। आपकी आवाज़ बंद हो चुकी है, असलासा आपकी जुमलाई आवाज़ माय नहीं आ फ्रेंड रही। सर अब आ रही है आ रही है अब, लेकिन सही नहीं आ रही। अब आ रही है सर वही भी शोर सा आ रहा है, कोई अजीब सा, जैसे किसी डिवाइस में कोई मसला होता है। जी सर वो चार्जिंग में लगाया सर इसलिए आया का शायद इसीलिए
ज़मलाई ज़हबा इलल जी आप मक्का। बोलती है ना वो बीच में आवाज आती है तेज ही। ज़मलाई ज़हबा इलल मक्का। माय फ्रेंड वेंट इल माय टू द मक्का। फ्रेंड वेंट टू द मक्का। अना रजअता मिन अर-रियादा अमसा। इसमें भी मैं गलती है, जाऊँ तीसरे में गलती तो अना है, जी सर अना रजअतु आएगा। अना तीसरे में क्या रजअतु गलती मिन सर ज़मलाई ज़हबा इलल मक्का सर ज़हबता। है? गलत। जहां तक मुखातिब की होता है ये गायब है, ज़हबत जहां बात गायब एक मौरत के लिए होता है, ये जमा मुजक्कर है। देखता जहाबू जुमलाई जहाबू इलल मक्का। ओह सर ज्यादा सारे फ्रेंड्स हैं ना इसलिए हाँ जी जैसे मुझे लग रहा था ये क्या इसलिए मैं नहीं बनाया। अना रोजाता तो यहाँ आएगा अना रोजा तू मिन रोयादी अमसा। मैं कल सर आज का कल और आने वाले कल में के लिए क्या फर्क है। ये अमसी जो कल गुजर गया वो कल है, गदन जो कल आएगा उसको हम गदन कहेंगे। सर रोगादन का मतलब क्या होता है फिर। ओ सर गदन सिंपल, गदन रोगादन उसको छोड़ें, सिंपल जी गदन आने वाला कल, अमसी जो कल गुजर गया। जी मरियमु व बनातुहा ज़हबतु इलल जद्दा। यह आएगा मरियमु व बनातुहा ज़हबना इलल जद्दा। उम्मी कारा अना मरीदुन। उम्मी मेरी अम्मी ने काला तकूलु आएगा। उम्मी उम्मी तकूलु कॉलत, उम्मी उम्मी कॉलत। कालत कालत अना मरीजतुन, उम्मी कॉलत, जी अना मरीजतुन। ओके सर जी सर सर इतना काफी है आज। चलें ठीक है, यहीं पे फिर रुकते हैं। ये नोट कर लें, पेज नंबर आप नोट कर लें, पेज नंबर 27 क्या है है ट्वेंटी और पेज सेवन नंबर 18, ये दो पेज नंबर आप नोट कर लें। 18 और 27 जी सर।